दोस्तों बताता चलूं, अभी आया हूं दरभंगा के बाजितपुर इलाके में, वार्ड नंबर 23 है, जहां ये आपको दिखाऊं, ये नाव जो है प्रशासन के द्वारा दिया गया है लोगों के सहायता के लिए। यहां जो पानी की स्थिति है बहुत विकराल होती चली है, हर घर में पानी आ चुका है, लगभग 6 फीट 7 फीट कितना पानी है। और यहाँ जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं उनको जरूरत है नाव की, नाव से निकलने पे ही मजबूर है। यहाँ मैं दिखाऊंगा लोग किस तरह, देखिए यहाँ एक ठेला वाले व्यक्ति हैं, किस तरह अपने घरों का सामान ठेला पे लेके निकल रहे हैं। पानी का रूप बहुत विकराल होता चला गया है, बहुत ही ज्यादा विकराल हो गया है पानी का रूप। मैं दिखाता चलूँ आपको लोग किस तरह घर खाली करने को मजबूर है, बाहर प्लान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 23 का ये स्थिति है, यथासंभव जहां तक हो रहा है मैं आपको दिखाता चलूं, लोग जहां भी हो वो लाइव अपडेट देखें। वार्ड नंबर 23 का जनता किस तरह परेशान है, यहां जो पानी है वो सारे घरों में घुसा हुआ है। आपको स्थिति दिखा रहा हूं, हर घर में पानी लबालब भरा हुआ है, नाव चल रही है। ये जो नाव देख रहे हैं आप, ये प्रशासन के द्वारा दिया गया नाव है। यहाँ की जनता की जो परेशानी है उसके लिए दिया गया है कि लोग इससे बाहर जा सके, घरों से ऊंचे स्थान पे निकल सके। मैं दिखा रहा हूँ ये पानी देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जो पूरा कमर तक डूबा हुआ है, पानी पूरे घर में, पानी पूरे घर में डूबा हुआ है। ये आप स्थिति देखिए, बहुत ही विकराल स्थिति है। वार्ड नंबर 23 का जो स्थिति अभी आपको दिखाते चले, यहाँ 6 फीट 7 फीट पानी आया हुआ है। मैं आपको लाइव अपडेट देता चलू दरभंगा न्यूज के द्वारा, आप लोग देख रहे होंगे ये लाइव चल रहा है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं दरभंगा न्यूज से। आप लोग जहां भी हो लाइव देखे क्या स्थिति है, लोग यहां कैसे परेशान है। ये देखिए किस तरह लोग मुढ़ी चूरा छोला मुढ़ी खाने के लिए तैयार है, उसी से लोग अपना बसर कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए क्या स्थिति है यहाँ की, घर में पानी लगभग 5 से 6 फीट पूरा भरा पड़ा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से और क्या व्यवस्था क्या गया है। यहाँ आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था क्या गया प्रशासन की तरफ से, देखिए आप लोग जो ऊपर हैं, यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था क्या गया। आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं, आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि प्रशासन की तरफ से यथासंभव कोशिश नहीं की जा रही है राहत कार्य के लिए। जाना चाहेंगे उधर कितना पानी होगा, उस साइड पानी कितना होगा, पूरा जो घर देख रहे हैं आप, ये दृश्य देख रहे हैं, ये नजारा, ये वार्ड संख्या 23 का है। यहाँ दिखाएं आपको ब्रह्म मंदिर कीला घाट महदौली ब्रह्म स्थान दरभंगा का नजारा है। आप देखिए यहाँ पूरा ये पानी डूबा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों साइड पानी है। ये स्थिति मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आंखों देखा हाल दरभंगा न्यूज से लाइव, कीला घाट वार्ड नंबर 23 का ये हाल है, हर तरफ पानी ही पानी है। जानना चाहेंगे क्या 2004 और 2007 में भी ऐसा ही वार्ड था, 2004 और 2007 में ऐसा वार्ड था, इससे ज्यादा था, स्थिति लगभग वही होती जा रही है 2004। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्थिति 2004 वाला होता जा रहा है, पानी बहुत विकराल रूप ले रहा है, पानी बहुत विकराल रूप ले रहा है। देखिए लोग परेशान हैं, दिन का 3 बजने को है, बता दे आपको लाइट की व्यवस्था है अभी इधर, रात में कैसे लोग यहाँ बसर करते हैं, मोमबत्ती वगैरह की व्यवस्था, बहुत ही त्राहिमाम स्थिति है। आपको दिखा रहे हैं दरभंगा न्यूज से लाइव, देखिए लोग घर पे ऊपर बैठे हैं, नीचे भी बहुत कम लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है, लोग परेशान बने हुए हैं। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे वार्ड नंबर 23 की। संजय सरावगी जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ आए हुए थे भ्रमण करने के लिए, आप वार्ड नंबर 23 की जनता, वार्ड नंबर 23 की जनता दरभंगा के विधायक संजय सरावगी से मांग कर रहे हैं कि बचाव कार्य में तेजी लाया जाए और यथासंभव जो भी कोशिश हो खाने पीने की मोमबत्ती की वो उपलब्ध कराया जाए। यहाँ बहुत सारे लोग परेशान बने हुए हैं इस पानी में, अपील करता हूँ मैं अभी प्रशासन से कि यथासंभव जितनी कोशिश हो यहाँ लोगों में राहत कार्य दिया जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। देखिए किस तरह लोग परेशान हैं।
हर तरफ पानी ही पानी का मंजर है। दिखाते चले, ये नजारा वार्ड नंबर 23 किला घाट से आगे आते हैं, ये वार्ड नंबर 23 है बाजितपुर, यहाँ का ये नजारा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव दरभंगा न्यूज से, बने रहिए ताजे अपडेट के लिए। मैं आपको दिखाता चलूँ, पानी बहुत विकराल होता चला, आगे का दृश्य में मैं आपको दिखाता चलूंगा। देखिए किस तरह पानी, लोग अपने घर से निकल रहे हैं फिर जा रहे हैं, घर भी जाना मजबूरी है, हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए ये कच्चा मकान है जो पूरा डूब चुका है, ये कच्चा मकान है जो पूरा डूब चुका है, घर से लोग निकल चुके हैं बाहर की ओर, प्लान कर चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। देखिए जो स्थिति है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखते चलिए, ये सामने देखिए, ये नदी है, नदी से ही पूरा पानी आया हुआ है, बहुत लोग परेशान हैं इस क्षेत्र में। पीछे जो एरिया है, इसके पीछे कौन सा एरिया है, वो सारा डूबा हुआ है। कौन कौन सा गनीपुर तरौनी, ये एरिया सारा का सारा डूबा हुआ है। वहाँ जो गांव के लोग थे वो अभी प्लान कर चुके हैं या गांव में ही है, कोई व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि राहत काज का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बिल्कुल परेशान हताश हैं। देखिए किस तरह, बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम भी नहीं आई है, लेकिन यहाँ बहुत जरूरत है एनडीआरएफ की टीम की भी, क्योंकि पानी सर से ऊपर है। आप लोग देख रहे हैं दरभंगा न्यूज लाइव अपडेट, वार्ड नंबर 23 का ये हाल था, आंखों देखा हाल। आगे भी आपको ले चलेंगे महदौली शीशो, हर जगह अपडेट देते रहेंगे। जब तक कि दीजिए इजाजत, वसीम के साथ दरभंगा न्यूज बिहार।